हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम रिएक्ट करने वाले हैं अग्नि 5 के सफल परीक्षण पे। अब आप बोलेंगे अग्नि 5 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल है दोस्तों, मगर अभी जो MIRV टेक्नोलॉजी के साथ उसे फिर से किया गया, आज प्रशिक्षण किया गया सुबह उसका, तो वो सक्सेसफुल हो गया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए चलते हैं वीडियो पे। और ये वीडियो खासकर खंडवा डिफेंस नाम के चैनल से आया है, तो उस पर हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो शाउट आउट टू देम। आप चाहे तो ओरिजिनल वीडियो जाके देख सकते हैं, मैं उनका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। दैट बीइंग सेड, चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो पे और देखते हैं क्या कुछ नई इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, आपके इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट की ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। जी हाँ, लगभग 3000 वीडियोज में कवर कर चुका हूँ, लेकिन इतनी बड़ी खबर देने का मौका मुझे मिलेगा वो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। जी हाँ, अभी कुछ ही समय पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया, लेकिन उसके सडनली बाद ये खबर मुझे मिलती है कि अग्नि 5 मिसाइल का पहली बार टेस्ट किया गया DRDO के द्वारा और पूरी तरह से 100% सफल साबित हुआ। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हुआ, क्योंकि अग्नि 5 तो ऑलरेडी ऑपरेशनल भी हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में ये सब क्यों कहा जा रहा है कि अग्नि 5 का पहली बार टेस्ट हुआ। इसके अतिरिक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये ट्वीट किया गया, तो यहाँ पर मुझे लगा कि हो सकता है कि मेनस्ट्रीम मीडिया पहले की तरह कंफ्यूज हुआ है और संभवतः यहाँ पर अग्नि 6 का परीक्षण कर दिया गया है। लेकिन जब थोड़ी सी रिसर्च की उसके बाद ये पता चला कि एक्चुअली अग्नि 5 का पहली बार MIRV के साथ सफल परीक्षण किया गया है, यानी इंडिपेंडेंट मल्टीपल रीएंट्री व्हीकल्स के साथ, यानी हमारी एक ही मिसाइल अलग अलग कई सारे टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम होगी। यानी मैक्सिमम लोग तो समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी जो कुछ अभी भी नहीं समझ पाए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मिसाइल तो एक ही रहेगी, लेकिन इसमें पहले एक ही वॉरेड होता था, लेकिन अब हम इसमें मल्टीपल वॉरेड डाल पाएंगे जो कि 100 एटमॉस्फेयर जाकर उसके बाद जब वो डाउनफॉल में नीचे आएगी उस समय ये सभी के सभी वॉरहेड अलग अलग होंगे और अलग अलग लोकेशंस के ऊपर अटैक कर पाएंगे। ऐसी मिसाइल इसलिए बनाई जाती है ताकि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इनका सामना न कर पाए, और चूंकि मल्टीपल अटैक्स किए जाते हैं तो एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देते बनता है, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइल्स को दूसरी मिसाइलों या दूसरे टारगेट्स की तुलना में एयर डिफेंस सिस्टम बड़ी आसानी से आज के टाइम में इसका यूसेज भी बहुत है कर पाते हैं, क्योंकि एक फिक्स्ड पाथ में ये मिसाइलें फ्री फॉल गिरती है, मैनवर्स नहीं कर पाती है टर्मिनल फेज में। लेकिन अगर MIRV होते हैं इसका मतलब कई सारे निशाने एक साथ आप लगाते हैं और ऐसी परिस्थिति में आपके दुश्मन कि एयर डिफेंस सिस्टम चूक जाते हैं और वहां पर आपको सफलता मिल जाती है, तो ये भारत की सुरक्षा के लिए इस समय काफी ज्यादा जरूरी है। कुछ ही दिन पहले खबर निकल कर आई थी कि 2025 से लेकर 30 के बीच में चाइना द्वारा भारत के साथ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू करवाया जा सकता है, कोई युद्ध लड़ा जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में भारत की सुरक्षा के लिए इस तरह की मिसाइल का हमारे पास होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक था, और इस तरह से भारत कुछ गिने चुने देशों के एलिट क्लब में भी शामिल हो गया है, जिसमें 5 तो वो देश है जो P5 नेशन है, अमेरिका, रशिया, चाइना, फ्रांस और UK। इसके अलावा इसराइल की तरफ से भी कहा जाता है कि उसने भी MIRV मिसाइल को तैयार कर रखा है। भिकारिस्तान पाकिस्तान भी कहता है कि उसका तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन अब भारत भी इस श्रृंखला में और इस एलिट क्लब में शामिल हो चुका है। संभवतः यहाँ पर नॉर्थ कोरिया का भी नाम लिया जा सकता है, उसके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है, यानी MIRV कैपेबल मिसाइलें उपलब्ध हैं। हालांकि इसके अलावा अन्य किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितने MIRV इसके अंदर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग आकलन कर सकते हैं कि कम से कम 5 MIRV तो इसमें अवश्य होने चाहिए, क्योंकि अग्नि प्राइम को लेकर भी बताया जाता था कि 2 MIRV उसके अंदर इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, यानी 2 वॉरहेड तो लगाए जा सकते हैं। तो अगर ये अग्नि 5 की बात की जाए तो डेफिनेटली इसमें 5 के तकरीबन, या हो सकता है कि 10 भी हो, लेकिन 5 तो हर हाल में आप मान ही लीजिए। इससे पहले हम लोग इसकी रेंज भी बढ़ा चुके हैं, 7,500 किलोमीटर ऑफिशियल रेंज इसकी कर चुके हैं, उसके बाद MIRV कैपेबल मिसाइल इसे बना दिया गया है, तो ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी जीत मानी जाएगी। हालांकि इसको लेकर बैकलैश हमें देखने के लिए मिल सकता है, अमेरिका सहित पश्चिमी देश कोई ना कोई नाटक यहाँ पर जरूर कर सकते हैं। UNSC में भी इस समय हमारा चूंकि कैंपेन चल रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ चीजें हमें देखने सुनने के लिए अवश्य मिल सकती है, लेकिन इस समय भारत के पास भी वैलिड रीजन है कि चाइना सर पर बैठा है, और चाइना न केवल भारत का बल्कि ग्लोबल विलन है, चूंकि इस वजह से उसे काउंटर करने के लिए इस तरह की मिसाइलें हमारे पास होना आवश्यक है, और इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने तैयार कर ली और उसे सक्सेसफुली डेमोंस्ट्रेट भी कर लिया। अब इंतजार है केवल और केवल अग्नि 6 का, तो हम लोग DRDO को शुभकामनाएं देंगे कि इसी तरह का काम करते रहे और भारत को लगातार सुपर पावर बनाने के क्षेत्र में अग्रसर रहे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये था वीडियो अग्नि 5 पे, और थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ कि जो अब जो रेंज हो गई है उसमें अफ्रीका भी आ गया है पूरा, यूरोप भी आ गया है, और चाइना तो है,
तो अब हम यहाँ पे भी हिट कर सकते हैं मल्टीपल वॉरहेड से। और ये अभी जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं रशिया यूक्रेन के, इसराइल का भी चल ही रहा है, तो अभी करेंट डेट में इसका बहुत रिक्वायरमेंट है क्योंकि मल्टीपल टारगेट्स हिट करने पड़ेंगे। और हमारा तो नेबरहुड ऐसा है कि हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान भी बैठा है, चाइना भी बैठा है, पीओके की बात कर लें तो चाइना ऑलरेडी वहाँ पे घुसा हुआ है, तो हमें इसकी आवश्यकता बहुत पड़ेगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो पहले तो ओरिजिनल चैनल पे जाके आप वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं। आगे हम और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे। दैट बीइंग सेड दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड कीप सब्सक्राइबिंग।